विधानसभा रे अर्थमंत्री सीएजी को रिपोर्ट उपस्थापित कर सारी एवं आज निजे प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल प्रेस मीट डाकी से रिपोर्ट रे जो विस्तृत तथ्य रही अनियमितता हो सरकार उपलब्धि हो जेकोसी दुर्नीति स्काम हो ता विषय विस्तृत भाव उल्लेख कर तबे आम आलोचना करवा विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न अनियमितता बा सरकारी स्तर जो सब घोटाला होती सरकार कौन पदक्षेप नहीं से नहीं आलोचना करवा आम सहित उपस्थित अच्छा विभु दत्त बसंतिया प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल अच्छा सर आपन को अर्गस को स्वागत करुच्छे आज्ञा आज आप गत काली तो विधानसभा उपस्थापित है रिपोर्ट उपस्थापित है सीएजी रिपोर्ट आज आपको नहीं कि प्रेस को ब्रीफ कले आज्ञा जो सब मूल प्रसंग गुड़िक रही विशेष भाव में आम राजस्व क्षति के सहित आहरी कृषि क्षेत्र में चाषी मान किपर भाव ऋण प्रदान करदिन से ऋणी होकर रही जमी जो एवरग्रीन लोन होकर रही आज्ञा से ता विषय उल्लेख कले तो आज संक्षेप में आम प्रथम मुझे पचारे चाहिए सर्ट्रे कौन कह जो गत 2019 मार्च पर्यंत जो आप रिपोर्ट होती कौन अच्छी देखो आज तीनोटी रिपोर्ट उपरे प्रेस ब्रीफ्रे मुझे मेनशन करी तीन टा रिपोर्ट हूँ गोटे इकोनॉमिक सेक्टर रिपोर्ट गोटे रेवेन्यू सेक्टर रिपोर्ट आ गोटे पीएसयू रिपोर्ट जोटा स्टेट पीएसयू मानक रिपोर्ट आती जो जो बड़ फाइंडिंग्स आमर थिला ता उपरे आमे प्रेस ब्रीफिंग देथिलु आउ जदि आपण तीनटा जाक रिपोर्ट विषय में मते टिके टिके पचारिबे मु पीएसयू रिपोर्ट रे आमर गोटे ओडीएसएसपी प्रोजेक्ट अछि ता उपरे आमे देइछु जे कोन इरेगुलरिटीज अछि आ तार परफॉर्मेंसेस केमती है से प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट तीन वर्ष भितर खत्म हवा कथा किंतु आहरी दि वर्ष चली गला परे भी 2019 जेते बळे आमे ताकु रिव्यू से समय आमे देखिलु जे एक्चुअल अचीवमेंट इज इन मिड 30s 30-35% 2021 जनवरी रे ए दि मास तळे जेते बळे आमे फाइनली रिपोर्ट को प्रिंट करने पूर्व आम अपडेट कलु आम देखल इट हाज नाउ प्रोग्रेस अप टू 75% किंतु से भी बहुत गुड़ाए ट्रांसफर्मर चार्ज है बहुत गुड़ाए हैंडओवर है ये प्रॉब्लम आम से देखल सो गोटे 4,000 कोटी टंकार प्रोजेक्ट ये भाव में पड़ी रही आउे जो क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ पावर ओडिशा लोक को मिलवा कथा दैट कुड नॉट बी अचीव्ड से जिनस को आम देखु रिपोर्ट रे इकोनॉमिक सेक्टर रे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी रे जोटा आपण एबे कहउतले जे केमती चासी मानंकु तांकु लोन दिया होउची आ गोटे फ्रेश लोन देकरी से पुराना लोन टाकु सुझी दिया होउची आउ जोटा को एवरग्रीनिंग ऑफ लोन को होउची हाँ ता होउची सो आमे देखिलु जे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी गुड़ाक केमती जो मानदंड काम करने कथा करपर इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थापित हो पारना विसैट द्वारा जो पैसा ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को जाकि इक्विपमेंट आउ इम्प्लांट किणवा कथा से किणा हो पारा ना आउेचाषी मान कि सुविधा है भल है सो से इश्यू गुड़ाक बहुत विस्तृत भाव से आम वर्णना करछु आपण जदि रिपोर्ट को देखिबे आपण सेथिरे पाइबे आउ गोटे रिपोर्ट अछि इडकोर परफॉर्मेंस ऑडिट सेथिरे आमे माने देखैछु जे केमती इडकोर जहाँ लक्ष एकर टार्गेट थिला टू क्रिएट अ लैंड बैंक ऑफ 1,00,000 एकर्स से सेथिरे विफल रहिले आउ ऑलरेडी लैंड बैंक विच इज कॉल्ड called an A category land bank that could not be created in full in toto au sethere ame ya bhi dekhe chu je land bank jaha thila se kemti bhabare A category land bank bhi bahut jagare upajog hei parla nahi kemti plastic park 7 barsha hela pare bhi complete hei parla nahi paradip re
नालको रे एल्युमिनियम पार्क केमती भाव रे हेई पारला नाही आउ ए सब जिंस हेले इंडस्ट्रियलाइजेशन हबो डायरेक्ट आउ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलिबो ए सब जिंस अछि सो स्टेट रो इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट पई इडको इज अ वेरी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आउ तारा एफिशिएंसी इज वेरी इंपोर्टेंट आ जदि ता छडा डेरास रे केमती तांकर लैंड अलॉटमेंट रे सी फूड पार्क रे लैंड अलॉटमेंट रे प्रॉब्लम अछि ता हमें देखैछु बहुत गुडा जगार जेंती टाटाज किंबा जीएमआर इन्फ्रा ओ लंको इन्फ्रा सेमानकु अनड्यू बेनिफिट दिया है छि ता हमें देखैछु सो गवर्नमेंट शुड टेक दैट मनी फ्रॉम दीज ऑर्गेनाइजेशंस सो ए सब जिंस विस्तृत भाव रे रिपोर्ट मानकर अछि सर जो कथा आप प्रथम रु आरंभ कले केमती सर ओडी एसएसपी रे जो कंपनी गुड़ी को काम दिहाई शहेटी ट्रांसफर्मर काम दिहबा कथा प्रति बदल 393 टी कंपनी जहाँ रिपोर्ट रे रही 393 टी दिखाई तो सर ये गोटे कहपर कि जी कैपासीटी रोचे गोटे कंपानी काम दे सी सठिक भावे तुले पार कम सठिक हम तार सेवा लोक मैंने ता नक गोटे कंपानी को हेतु अनुकंपा द्वारा सरकार भी क्षति हो लोक मैंने भी क्षति सौ देखत कनक्लूजन ड्र कर आपण मानकर काम से तो मु खाली आपन को फैक्ट्स कहीपर फैक्ट्स जहाँ आप कहले सत आम मैंने देखल गवर्नमेंट तार टेंडरिंग रे जहाँ निजर इंटरनल मानदंड तैयार कर हिसाब से यो पांचटा कंपनी आप एलएनटी जीपीआईएल आउ दि तीन टा कंपनी से टोटल मिलवा कथा 473 रु 100टा आउ तांकु काम दिया टोटल 393टा सो आपण जेतेबेले तार मानदंड तयारी करछन जे ये 36टा सबस्टेशन बनेबा पई आई मीन केपेबल आपण जदि ताकु 100टा काम देबे नेचुरली तार कंपनी रो लिमिटेड ये जो से स्ट्रेच हे जे से राइट टाइम रे काम करि परिबनि आउ आपण सेई मानकर सेई पई सेई कंपनी मानकर परफॉर्मेंस देखंथु रिपोर्ट रे आमे लिखिछु से परफॉर्मेंस से थरे सफर करची दे कुड नॉट एक्चुअली हैंड ओवर दोज सबस्टेशंस इन टाइम टाइम ओवररन वुड आल्सो इंटेल कॉस्ट ओवररन सो दैट इज देयर इन द रिपोर्ट क्लियर निश्चित भाव रे निश्चित भाव रे परफॉर्मेंस एस्पेक्ट रे तो निश्चित भाव रे सर जो शिल्प प्रतिष्ठापी हो शेष कहते इडको द्वारा जो जमी आवंटन करा जाए था बा इडको माने लैंड बैग ठारू आरंभ करी जो शिल्प उद्योग माने आसी थांते ओडिशा को इन्वेस्टमेंट करिया किंबा एटी शिल्प प्रतिष्ठा करिया पई किंतु आज्ञा अनेक समय रे जहाँ रिपोर्टर रही इडको जी जमी तांकु जोगाई देछि हुए तो सेठी शिल्प तयारी होई पारे ताद्वारा मध्य जो समिति जमी पड़ रही जो जमी की फेरी आने कथा पुणी तार कर्तृत्व को इडको ता आनी पारी नहीं सेमती किसी सारी रिपोर्टर रही चीज़ गोटे तो मुझे क्लियरली कहली जे जो टाटा स्टील कथा जे 96 रे लैंड दिया है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हो पारा ना सो दैट लैंड शुड हैव बीन रिज्यूम्ड बैक मतलब लैंड पुणी इडको निज पाक नहीं जावा का आउ निज अधिकार को लेकर पुणी थे आप किंतु से माने फिजिकल पोजिशन न नहीं कि पुणी ताकू टाटास को 2014 रु 2018 भितर से 538 एकर जो सरकारी जमी अच्छी ताकू सेठी देले तंकु गोटे एसीजेड करिया पई किंतु से माने जो से 75,000 टंका दैथिले से पैसा रही माने से जमी को नहीं गेले 96 रे जो रेट थिला सो आमे कहूँ जे नाई जदि से समय जो पर्पज पई नहीं कम कले ना आपण से जमी को निजे नहीं आसवा कथा आदि से जमी को पुणी देले आपठू जो प्रिवेलिंग रेट अच्छी कम से कम से तो दैट अमाउंट्स टू अराउंड 15-16 crores
ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ୟାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ବା ଅର୍ମାସ୍ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଦେଇଛି, ଟ୍ରେନିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେମାନେ କେମିତି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ତା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ, ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇଛି? ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଇଟ୍ ଦେଇପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମୋ ଅଧିକାର ଭିତରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏଜି ଅଡ଼ିଟ୍ ୱାନ୍ ତାର ଅଡ଼ିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ରିପୋର୍ଟଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଆପଣ କହିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଡ଼ିଟ୍, ଆପଣ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଉ ସାର୍, ଔଷଧ ନିଗମ ବା ଔଷଧ କିଣା ବିକାରେ, ଔଷଧ କିଣା ବିକାରେ ବି ଯାହା ଆପଣ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ, କାରଣ ସେଇଟା ବି ଏଜି ୱାନ୍ଙ୍କର ଅଧିକାର ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଜି ୱାନ୍ ତ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଏଜି ୱାନ୍କୁ ବି କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବେ ଏ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ରିପୋର୍ଟରେ ପଢ଼ିବେ, ରିପୋର୍ଟରେ ବି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଆପଣ ସେଥିରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଅନିୟମିତତା ଯାହା ବି ଅଛି ତା'ର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଯାହା ଆମର ଶକ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଇଏ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ଏବଂ ସଞ୍ଚାରଣ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ କେତେ ଜେନେରେଟ୍ ହେବା କଥା, ରେଭିନ୍ୟୁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତା ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଯେମିତି ଆପଣ ଏଇ ODSSP ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତା'ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ପାୱାର ବଢ଼ିବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ATNC ଲସ୍, ଯେଉଁଟା ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସିଆଲ୍ ଲସ୍, ସେଇଟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା 37% ଥିଲା, ତାକୁ କମ୍ କରିକି ତାକୁ ଯେଉଁ OERC କହୁଛି 22% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବ, ସେଥିରେ ଆଣିଲେ ବର୍ଷକୁ 255 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରକୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ସୋ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନଡିନେଟ୍ଲି ଡିଲେଡ଼୍ ହୋଇଗଲା, ସେ ଫାଇଦା ସରକାରକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ 255 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲସ୍, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯଦି 4000 କୋଟି ଟଙ୍କା କରୁଛେ, ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ଟାକୁ ଦ ବେନିଫିଟ୍ ସୁଡ୍ ଆଉଟ୍ ୱେ ଦ ଆଉଟ୍ଲେ, ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାପନ୍ ଦେନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ପଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ସୋ ମଚ୍ ଅଫ୍ ମନି ଅନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ଚାଷୀମାନେ କିପରି ଭାବେ ଆମର ଦେଶର ଅନ୍ନଦାତା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଆୟ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ଏବଂ ଆମର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ହେଉ ବା ପରିବା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଚାଷରେ ବି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲୋନ୍ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବେ ଯେଉଁ କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାପ୍ସ ହୋଇଯାଉଛି ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ମେନ୍ସନ୍ କରୁଥିଲି ଯେ ସେଥିରେ PSES ର ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଡ଼ିଟ୍ କଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପାଖାପାଖି 17.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏ ଫ୍ୟୁ ଲାକ୍, ମେ ବି ଦ ନମ୍ବର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନମ୍ବର ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟ, ଏ ଫ୍ୟୁ ଲାକ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ସ୍ ୱେର୍ ରୂପେ କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ସ୍ ୱେର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍, ବଟ୍ ଦେ ୱେର୍ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ଟୁ ଦ ଫାର୍ମର୍ସ। And by the time somebody woke up to it, it had already expired, it had already become time barred. So se farmer mananka na re jo 17.5 crore tanka kharcha hala taku print karibare, se paisa pura brutha gala, chasi bhi paile ni. Odisha Agro Industries Corporation ku semti 14-15 crore tanka diya hala implant kharid kariya pai. So basically kon na taku gote cooperative bhabare apana, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ପାୱାର ଟିଲର କି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ହାରଭେଷ୍ଟର କିଣିପାରୁନି, ସୋ ଓଡ଼ିଶା ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ କିଣିଲା, ତାକୁ ଲୋନ୍ରେ ଦେଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ସବସିଡାଇଜ୍ ରେଟ୍ରେ ସେମାନେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷବାସ କଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିଲା, ସେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସୋ ତା ପାଇଁ
सरकार तरफ रु मोर कोऑर्डिनेटेड एक्शन दरकार जो ऑफिसर माने ताकु मैन करुछंती समान का तरफ रु कोऑर्डिनेटेड एक्शन इनिशिएट करिबा दरकार अदरवाइज पैसा आसीबो आपनकर पैसा खर्च जदि न होबो से किसान मानकर कृषक मानकर काम रे लागिबो नाही। आ गोटे प्रसंग उठाऊ जे मरुड़ी सहायता सरकार ठीक समय रे घोषणा कले नहीं जो कि चाषी मैंने जो सहायता पाइबा कथा जो जी क्षति होती से गोटे कहती आम ओडिशा रे आन्यवारी सिस्टम मैंने 50% रु जदि कम वर्षा है गोटे जगार तेल ड्राउट प्रोन एरिया बा ड्राउट अफेक्टेड एरिया से जगटा को कराहब घोषणा कराहब आपर से सरकार कौन करेंगे ना जहाँ भी सहायता देवा कथा दे आकलन करके देवे सो जेहेतु आने बारी राइट टाइम रे करा हला नहीं कारण गोटे वर्ष जदि आप न करेंगे आर वर्ष को पुणी वर्षा हो गले से आउ कौन तार बेनिफिट पाइब जो अफसर थे से कहे ना ए वर्ष तो वर्षा हो जाए सो से सब जिनस को टाइमली करवा दरकार यू हाव टू डू इट when drought is already there and that is the time when the farmer actually wants hand holding so that is mentioned in the report apan dekhi seso prashna sir rohibo gote besar report ro seso bhagare apan modhe dekhoutle mu pun thare report dekhi ki apanku prashna pochariya pai chahibi je biswa bank prakalpa re eko suuch polo ebang pravesh marga nirman karya re जो थे 273 मीटर रो प्रवेश मार्ग कार्य संपन्न हो नाला एथिपाई आज्ञा चुक्तिनामार सर्त अनुजाई चुक्ति मूल्य कौन सी ह्रास करा जाए नथला एवं से जी थिले दायित्व निर्वाही जंत्री से काम उक्त कार्य मूल्य कौन सी ह्रास नक 7.7 कोटी 12 लाख टंका ठिकादार को प्रदान करथिले एटा संपूर्ण भाव अनियमित काम होता इन द सेंस कि ये 273 मीटर रोडटा से करी ही नथिले आउ तार पैसाटा जेतेबेले एस्टिमेट हला एस्टिमेट ही कट कर दबा कथा से पैसाटा किंतु से पैसाटा को से समय रे दे दिया गला बिल पास हो गला आउ तापर आम मैंने जब देख लु आम मैंने पॉइंट आउट भी कलु पॉइंट तार रिप्लाई रे से मैंने कहले जे नाई नाई ताकु इट हाज बीन पेड इन अनदर प्रोजेक्ट सो दैट इटसेल्फ इज जदि अनदर प्रोजेक्ट रे ताकु करा है जी पे करा है जी ताले ए थ्रू पुण केमति पे करा हला सो आपण रिपोर्ट रे पढ़े पूरा पैराटा विस्तृत भाव में अच्छी यहाँ गोटे संपूर्ण अनियमित कार्य जोटा को आम अडिट्रे पाइलू मेनसन भी कर सर आज्ञा जी भी अनियमितता है जी सरकार विभिन्न कारण विभिन्न भूल निष्पत्ति जो क्षति हो सरकार राजस्व क्षति हो तार लाभ लोक मान मिल पारे तापाई आप कि पदक्षेप नापी सरकार को परामर्श कि परामर्श तो सी जी इन ए वे इज ए फाइनेंशियल एडवाइजर इज वन ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट सो से सेन्स आम जो रिपोर्ट आम जहाँ लिखुचु आमर प्रथम कहवा कथा हूँ सरकार यार कग्निजेन्स नहीं कि सरकार प्रथम एक्शन नु सरकार जदि एक्शन ने पीएससी को जीवापी पीएससी रे कौन सी प्यार डिस्कशन आवश्यकता पड़वनि तेणु मोर तो एक्सपेक्टेशन रही सब जहाँ भी आम लिखिचु सरकार तापर कड़ा एक्शन नवा दरकार आती गवर्नेंस माने लाइक वी से वी आर एड टू द गवर्नेंस सिस्टम गवर्नेंस वुड बी बोलस्टर्ड इफ गवर्नमेंट टेक इफेक्टिव एक्शन ऑन ऑल द पैराज दैट वी ब्रॉट आउट इन आवर रिपोर्ट्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर आम सहित आलोचना करते प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल एवं जहाँ मध्य सीएजी रिपोर्ट रे तीन टी क्षेत्र को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करा जाई छी एवं से जो सबू अनियमितता है कृषि क्षेत्र हो
जो स्वास्थ्य क्षेत्र रे हो बा तहा शिल्प क्षेत्र रे हो बा शक्ति बा विद्युत जोगाण बा विद्युत उत्पादन क्षेत्र रे हो विभिन्न क्षेत्र को नहीं कि रिपोर्ट रे उल्लेख करा जाय छि कि परि भाबे राजस्व क्षति मध्ये होई छि एवं विभिन्न अनियमितता कारण रु दुर्नीति मध्ये कि परि भाबे राज्य रे व्यापी चली छि तबे ए सब को नहीं सरकार कोन पदक्षेप नउ छंती एवं सरकारी सरकार ए रिपोर्ट को नहीं कि परि भाबे उत्तर रखु छंती जते बेला हम परवर्ती समय रे प्रतिक्रिया नेबा पे चेष्टा करबा सरकारंकर ता उपर निहाती भाव नजर रहिबो तबे आलोचना को आम ये समाप्त करने चाहूँ पुणी थे धन्यवाद देवाई चाहूँ चाहूँ प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल आम सहित आलोचना करते भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन संजीव प्रदीप्त महापात्र अर्गस्ट्यूज।